इससे बुरा हाल बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार। तोरा लाइफ हो तो ऐसी। और केबिन से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। अरे अरे वाह, क्यूट लग रही है वो। लो भाई, मैं स्टार्ट हो चुका अपना आज। तो गाइस, फाइनली टुडे इज अ ग्रूमिंग डे फॉर अजोरा। मेरा बच्चा रेडी हो चुका है और लीश के साथ जा रहा है। अच्छा, आराम से और केयरफुली करवाना है, ठीक है। और केबिन से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, चाहे वो जितना मर्जी कहे कि मैम बाहर हो जो, थोड़ा अनइजी हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कि नहीं हमारा अट्रैक्शन हमारा बच्चा है तो हम साइड नहीं होने वाले, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अगर कुछ कहे तो फिर फ़ोन कर देना, जिप्सी आप पार के आवेंगे उत्थे फिर असी, ठीक है। मेरा बच्चा आराम से कराइए, मेरा लल्ला, मेरा गुल्ला। तो गाइज, ये निकल रहे हैं एडोरा की ग्रूमिंग के लिए, और क्या पता है इसकी कुछ शॉपिंग भी करें। मैं घर पे ही हूँ क्योंकि यार मुझे एडिटिंग करने का काम है, और तब तक आप इनको एंजॉय करना कि ये क्या क्या ऊट पटांग से हरकत भी करेंगे, मार्केट में जाकर कुछ चीजें लेकर भी आएंगे, आई एम डैम श्योर। और ऑफर भी चल रहा है वहां पे, तो क्या आज 15% या 20% ऑफ है। अगर आप कुछ मटेरियल लेते हैं, कुछ बाय करते हैं इसका फूड भी, तो उसमें 15% है, और अगर कुछ आप शॉप मतलब ग्रुपिंग के लिए 20% है। गाइज, अब आप इनकी शॉपिंग, ग्रूमिंग, जो डे आउट हो रहा है एडोरा के साथ, वो एंजॉय करो। मैं काम करता हूँ और उसके बाद सीधा वापस आते हैं। और आज हमारा मैच भी है, मैच डे है इंडिया। यार आज तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी तो मैच है, वर्ल्ड कप का पहला मैच। लो भाई, मैच स्टार्ट हो चुका अपना आज। बुम बुम बुमरा भाई साहब, जीतना है, बैक कर दो अपनी टीम को। वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एंड एनी हाउ वी हैव टू विन दिस मैच। बैक कर दो गाइस। चलो जाओ, ऑल द बेस्ट। जाओ बाय। आ गए भाई हम सिकॉन्स। दिव्या करा रही है पेमेंट यहाँ पे, वो रही हमारी एडोरा अंदर, डर रही है ये अभी बहुत ज्यादा। एक शिट्ज़ू ये रहा जिसकी बातिंग हो रही है, और एक हमारी वहाँ पर अंदर वो रही परेशान हो रही है बिल्कुल। एडोरा की तो बोलिए हेयर कट अच्छे से, अभी बातिंग चल रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं यार यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी यार बहुत टाइम लगने वाला है। एडोरा बिल्कुल भी इतनी जल्दी इजी नहीं करवा पाती है, तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं अच्छा सा प्यारा सा हो जाए। पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो वैसी एक्सपेक्टेशन है। सुन रहे हो ना आवाज़, शायद उसकी नहीं, यार बहुत सारे शिट्ज़ू आए हैं, इन लोगों को ज़्यादा ग्रूमिंग की नीड होती है ना, तो बस अच्छा सा हो जाए। भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ी देर के लिए सो का गया, 1.5 घंटा हो गए, उसके बाद उठा हूँ टीवी ऑन किया है, ऐसे जज्बात पलट चुके हैं भाई साहब। मुझे लग रहा था कि ये 300-350 मारेगी भैया, फॉर्म में चल रही है ऑस्ट्रेलिया, हालत देखो यार। ये तो हाईलाइट दिखा रहे हैं 2011 वर्ल्ड कप की, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ था। 7 आउट कर दिए और अभी 160 भी नहीं बने भाई, ये 200 भी नहीं बनने वाले, और ये मैच हम जीतने वाले हैं। 157 पे 7, 40 ओवर हो चुके हैं। कमाल, जय हो इंडिया, जय हो। ये मैच हम जीतेंगे। एंट्री हमारी इतनी खतरनाक हुई है, तो आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम देख लीजिए। बैक करते रहो अपनी टीम को गाइस। और ये पता नहीं अभी कटिंग करवाने गए, अभी तक आए नहीं है, मुझे पूछ रहे हैं फोन पे कि लंच पे क्या करोगे। अरे लंच क्या करेंगे, 5:30 बजने वाले हैं, 1.5 घंटे बाद मैं निकल जाऊंगा, हमारा मैच भी है, और मैच जिसके साथ है वो टीम बड़ी खतरनाक है यार। पिछले 10 मैच खेले हैं, 9 मैच वो जीते हैं। मैं चाहता हूँ कि यार इस वाले मैच में, इंपॉर्टेंट मैच में परफॉर्मेंस आए, तो ठीक है। व्लॉग को देखते रहो, लाइक कर देना, और उन्होंने क्या एंजॉय किया आपको दिख ही गया होगा यार। इस यहाँ पे एडोरा के लिए हो रही है शॉपिंग, तो ये हमेशा उसके साथ होता है, जब भी वो ग्रूमिंग कराती है तो उसके बाद उसको बहुत सारी ट्रीट्स मिलती है। उसको दो के कैसे एडोरा, लाइफ हो तो ऐसी। अरे वाह, क्यूट लग रही है तो बहुत ज्यादा। चलो, दे पीपल आर बैक, और मेरी शुन्ना कितनी अच्छी लग रही है। वैसे तो आपने देख लिया होगा वहाँ पे कटिंग जो हुई है, बट अब जो इसका निखार आया है ना, आ जा मेरा बच्चा। पानी पी रही है अभी, भैया थकी हुई है ना, पानी पी रही है, और नीचे से ऊपर भाग के आई है इस चेयर से। अरे मेरा बच्चा दिखाइए जरा, तेरे नाम तो साले का। आराम से करवा लेते, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? आतंक मचा रहा है इसने। और आप अंदर रुके थे ना? हाँ। अरे वाह गुड्डू, मेरा बच्चा कितना क्यूट लग रहा है, मेरा बच्चा, नजर ना लगे टचवर्ड। आए मेरा राजा बेटा, आए मेरा बेबू, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारा सामान आया इसका। अच्छा दिखाया जाए, टैबलेट्स है। ओके
ये फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है इसके लिए? ये क्या फैबल्ट? अच्छा जी, ये क्या चीज है? चिकन ट्रीट, स्पिनच ट्रीट। ये तो पेड़ वाले होंगे ना, फ्री वाला कौन सा है? ये फ्री है। अच्छा, ये फ्री है। फ्री है। अच्छा, ये एक्सपेंसिव है? होगा। अरे कितना है, कुछ भी होगा, चलो ठीक है। ये सब ने हम लोगों ने बाय किया है। अच्छा, ये बाय किए। अरे डोलो, इतनी सारी चीजें आ गई आपके लिए। ये ट्रीट, ये ट्रीट, ये ट्रीट। वेट लाइफ यार, ये इसको दिखाया था वहाँ पे, तो कह रहे थे कि इसको स्किन पे एलर्जीज वगैरह, तो ये ट्राई करके देखो। तो गाइस, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, हमारा मैच है और जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं फटाफट निकल रहा हूँ। बट सैडेस्ट पॉइंट ये है कि यार, जो कंडीशन अभी इंडिया की हो चुकी है ना, बताई जा ही नहीं रही। वो देखो, ये आप बॉडी लैंग्वेज से पता लगा सकते हो। भाई कोहली भाई खेल रहा है और हमारा केएल राहुल भाई खेल रहा है, रोहित आउट हो चुका है और ईशान किशन जी जा चुके हैं और एक प्लेयर और आउट हो चुका है, तीन आउट हो चुके हैं यार। तो प्लीज विश करो कि भाई जीत जाए मैच, धीरे धीरे खेलते रहो भाई, 50 ओवर का मैच है, मत करो जल्दबाजी, बस लीव करो, बाहर की बोलो को लीव करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है टच करने की। तो गाइस निकलते हैं, अपने मैच पे फोकस करते हैं, और आप इंडिया को भी जितवाना है और हमें भी जितवाना है। व्लॉग को लाइक कर देना और पूरा फॉलो करना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलते हैं, रात को मिलते हैं, चलो। तो गाइस अपन ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और आई बिलीव अभी मैच स्टार्ट हुआ नहीं है, जो मुझे बोला गया था 7:30 हो जाएगा, बट मैंने कहा था कि यहाँ कभी भी 7:30 मैच स्टार्ट नहीं हो सकता। तो चलते हैं डगआउट में, दोस्तों से मिलते हैं और पूछते हैं भाई फटाफट मैच स्टार्ट करो, चलो। सो गाइस फाइनली हमारे जो कैप्टन है मिस्टर बिल्लू सैम, एग्रेसिव कैप्टन, लास्ट मैच में भाई विकेट ली थी, जो अल्टीमेट कैच पकड़ी थी, उसके बाद से मैच ही टर्न कर दिया था पूरा। तो अभी हमारी नहीं से खेल रहे हैं, अभी जिस टीम से हम खेल रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस है और ये उनका होम ग्राउंड है, तो हमें फाइट पहली बॉल से देनी पड़ेगी। और टॉस जीत चुके हैं, बैटिंग हमारी आ चुकी है, बस आप प्रे करते रहो और व्लॉग को पूरा देखना, एंजॉय कर रहे हो, हमें लक विश कर रहे हो। ये देखो, ये मैच खत्म हुए और ये जीत चुके हैं लोग, बहुत बढ़िया यार, वाओ वाओ वाओ, ऑल द वेरी बेस्ट यार। बच्चू ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। रोहित भाई ऑल द वेरी बेस्ट, बिल्कुल सीधा सीधा खेलने, आराम से कंडीशन को अंडरस्टैंड करके, दिमाग से हटा जो गोप्रो पहना हुआ है बस। हाँ पहना ही नहीं है, ये पहना नहीं है, लगा नहीं हुआ, ये तो लग रहा है। अच्छा क्लिप है, क्लिप है, ये धोखा वाला काम है, बहुत बढ़िया मेरी जान, ऑल द वेरी बेस्ट और चक दे फटे, बहुत बढ़िया। ये देखो यार, हमारा भाई है, उसने भी स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग देखकर, बट ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम। तुम्हें शर्म है कुछ? सुनील बॉल कराएगा इतने फोन, ऐसे इंस्पायर करना है हमने सबको, बहुत बढ़िया। बॉल दे रहा, बॉल बॉल सुनील, फोन 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 फोन, बॉल से बॉल से, थोड़ा तेज फेंक ले यार, यार ये तो बेइज्जती हो, पता है भाई की हो रही है यार, तो तेज नहीं कर रहा है यार, अरे तेज फेंक थोड़ा, अरे बहुत बढ़िया बॉलिंग मेरी जान, बहुत स्पीड से आ रही है बॉल, वेल स्टॉप्ड यार। तो गाइस अभी का अपडेट अगर मैं बताऊं तो बोलने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूं यार, पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है सिर्फ 122 रन पे, आपको भेज तेरे बस की बात नहीं, इंक्लूडिंग एवरीवन, मतलब मैक्सिमम जिसका स्कोर है वो है सिर्फ 17 रन, इससे बुरा हाल बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार। अब जो ओपोनेंट है उनको चेस करने 123 रन मारने हैं और जो बैट्समैन है उनके बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज जो रेगुलर खेलेगा भाई उसके लिए बहुत ईजी है यार, उसको बॉल ना फुटबॉल दिखाई देगी। तो अब हम जा रहे हैं फील्ड पे और हमारा यही है मोटिव कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें, मिस्टेक बिल्कुल ना करें और एटलीस्ट 50% तो उनकी टीम को आउट करके ही आए, और अगर जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, बट ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी यार कि यार ये हो जाएगा, और मैं बिल्कुल नहीं। और लाइट भी चली गई देखो, मतलब ऐसा काला दिन आया, लाइट भी जा चुकी है, तो आई डोंट नो ये साइन गुड का है या बैड साइन है, लेट्स सी।